मसूरी नगर पालिका में पर्यटन सीजन को देखते हुए बैठक आयोजित की गई। सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने कई विभागों की तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही सभी विभागों को 15 दिनों में यात्रा सीजन की तैयारी पूरी करने के आदेश दिए हैं। डीएम की बैठक में साइकिल संचालकों ने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। टैक्सी यूनियन के कई लोग भी बैठक में पहुंचे और माल रोड सहित शहर में अवैध रूप से संचालित बाइक, स्कूटी और साइकिल का विरोध किया। नगर पालिका के एक्ट और बायलॉज के हिसाब से माल रोड पर कोई भी गाड़ी, चाहे हेलीकॉप्टर का लाइसेंस दे दे कोई, चाहे मोटरसाइकिल का दे दे, स्कूटर का दे दे, साइकिल का दे दे, माल रोड पर कोई भी साइकिल और स्कूटर नहीं चलेगी। जो ट्रैफिक की प्लान है, प्लानिंग और जो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट है, इसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करके मैन पावर को डिप्लॉय किया जाएगा और कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप इस तरह से रहेगा कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखा। वहीं डीएम की बैठक पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी। आप डीएम ने बिना परमिट के संचालित बाइक, स्कूटी के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। जो परमिट नहीं है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है, तो इसमें एसडीएम, सीओ और जो हमारे नगर पालिका के अधिकारी हैं, इनको हमने इसमें निर्देशित कर दिया है। तत्काल प्रभाव से इसमें जो भी जो एक तो अवैध चल रहे हैं उसको हम लोग तत्काल रोकेंगे, और जिसके लिए जो एक दो केसेस है जिनके लिए लाइसेंस वहाँ से आरटीओ डिपार्टमेंट से जारी हुआ है, उन लाइसेंस पे भी पुनर्विचार के लिए हम जो संबंधित विभाग है उनको भी लिखेंगे। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।